नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत के सैटेलाइट मैन प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव का जन्मदिन गूगल भी मना रहा है। कानपुर में जीटी रोड पर चल रही खुदाई में निकला खजाना। रायबरेली में नहीं मिली एम्बुलेंस, दर्द से कराहती रही प्रसूता, ऑटो से पहुंची अस्पताल। कानपुर में कुलदीप सेंगर जैसा मामला। किशोरी के साथ गैंगरेप के बाद ट्रक ने पीड़िता के पिता को रौंदा। संजय निषाद ने भरी हुंकार, कहा 2022 में बनाएंगे अपनी सरकार। और अब खबरें विस्तार से। आज भारत के सैटेलाइट मैन उडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन है। सर्च इंजन गूगल भी उनका जन्मदिन मना रहा है। गूगल ने आज का डूडल उनको समर्पित किया है। गौरतलब है कि प्रोफेसर राव भारत के निर्देशन में ही भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को सन 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया। भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कारण ही प्रोफेसर रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज भारत का उपग्रह कार्यक्रम और अंतरिक्ष प्रोग्राम बुलंदियों को चूम रहा है, तो इसके पीछे प्रोफेसर यू आर राव की कड़ी मेहनत शामिल है। प्रोफेसर यू डी राव का जन्म 10 मार्च 1932 को कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले के अडामारू इलाके में हुआ था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले उडुपी रामचंद्र राव अपनी प्रतिभा और लगन के दम पर विज्ञान की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा। उन्होंने अपना करियर कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट के तौर पर शुरू किया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई के असिस्टेंट के रूप में काम किया। प्रोफेसर राव ने अपनी पीएचडी पूरी करने के बाद अमेरिका का रुख किया और नासा के एक्सप्लोरर और पॉयनियर स्पेस प्रोब पर काम किया। इसके अलावा वो वहां प्रोफेसर भी बने। प्रोफेसर राव 1966 में भारत वापस लौटे और 1972 में अपने देश के उपग्रह प्रोग्राम को गति देने से पहले उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए भारत की प्रमुख संस्था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में एक हाई एनर्जी स्पेस साइंस प्रोग्राम की शुरुआत की। उन्होंने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के 1975 के लॉन्च को सुपरवाइज किया, जिसमें उन्होंने 20 से अधिक ऐसी सैटेलाइट्स का विकास किया जिन्होंने संचार और मौसम संबंधी सेवाओं में सुधार कर ग्रामीण भारत को बदल कर रख दिया। 1984 से 1994 तक प्रोफेसर राव इसरो के अध्यक्ष रहे। उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसी रॉकेट तकनीक विकसित की। इस तकनीक की मदद से अभी तक 250 से अधिक उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं। वह 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उसी साल पीएसएलवी ने भारत का पहला इंटरप्लेनरी मिशन यानी मंगलयान ए उपग्रह लॉन्च किया, जो अभी तक मंगल की परिक्रमा कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रोफेसर राव के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 1976 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके बाद साल 2017 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया गया। प्रोफेसर राव ने 24 जुलाई 2017 को 85 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। कानपुर में जीटी रोड के चौड़ीकरण के दौरान खजाना मिलने की खबर आग की तरह फैल गई, तो बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इकट्ठा होने शुरू हो गए। क्या है पूरा मामला? कानपुर के मंधना में जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान कई दुकानों को गिराया गया। इसी प्रक्रिया में दिनेश त्रिवेदी की दुकान पर भी बुलडोजर चला। मंगलवार शाम दिनेश जेसीबी की मदद से अपनी दुकान का मलबा हटवा रहे थे। इसी दौरान उन लोगों को वहां एक तिजोरी मिल गई। देखते ही देखते जंगल में लगी आग के माफिक यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोगों का हुजूम जमा होने लगा।
ये तिजोरी तकरीबन 2 क्विंटल की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ से तिजोरी को बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जैसे तैसे इस तिजोरी को थाने तक लाया गया। ये तिजोरी 2 क्विंटल के लगभग वजन की है। थाने में ये तिजोरी दुकानदार दिनेश त्रिवेदी और दुकान के मालिक अरुण कुमार के बीच झगड़े की वजह बन गई। दिनेश का कहना था कि ये तिजोरी उनकी है और एक बार उन्होंने इसे निकलवाने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। अरुण कुमार का दावा है कि ये तिजोरी उनके पूर्वजों की है। हालांकि जब पुलिस ने तिजोरी की चाबी मांगी तो दोनों दावेदारों के पास चाबी नहीं थी। फिलहाल ये तिजोरी थाने में मौजूद है और अभी तक इसे खोला नहीं जा सका है। प्रशासन ने इस 2 फुट की तिजोरी को सील करवा दिया है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालातों पर एकदम सटीक बैठती है। सरकार अपनी योजनाओं के बखान बड़े बड़े मंचों से करती है लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। ताजा मामला रायबरेली का है जहां दर्द से करा रही प्रसव पीड़िता को जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो उसे ऑटो रिक्शा से अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। क्या है पूरा मामला? सलोन विकास क्षेत्र के फैजुलाल का पुरवार निवासी रंजीत की पत्नी उर्मिला देवी को सोमवार रात तेज प्रसव पीड़ा हुई। इसके बाद परिजनों ने 102 पर फोन करके एम्बुलेंस के लिए लोकेशन भेजी। प्रत्युत्तर में थोड़ी देर में एम्बुलेंस पहुंचने की बात कही गई लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं प्रसव पीड़िता की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी जिसके बाद मंगलवार सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक एम्बुलेंस के इंतजार में परिजन पलके बिछाए रहे लेकिन एम्बुलेंस महिला के दरवाजे पर नहीं पहुंची। वहीं महिला की मां ने लगभग 1 बजे गांव के बाहर चौराहे पर आकर 200 रुपए में एक ऑटो रिक्शा बुक किया, फिर 20 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रसव पीड़िता महिला को 1:50 पर PHC सलोन में भर्ती कराया। वहीं PHC सलोन में 2:29 पर प्रसव पीड़िता महिला उर्मिला ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है। महिला की मां ने बताया कि उसकी बेटी का ससुराल डीह थाना क्षेत्र में है। इस दौरान वह मायके में रह रही थी। मंगलवार रात बेटी को प्रसव पीड़ा हुई तो एम्बुलेंस को फोन कर जल्दी भेजे जाने को कहा लेकिन बार बार फोन करने पर उसके गांव एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अगर थोड़ी देर और एम्बुलेंस का इंतजार करती तो उनकी बेटी काल के गाल में समा सकती थी। रायबरेली के CMO का इस संबंध में कहना है कि 10-15 मिनट से ज्यादा समय एम्बुलेंस पहुंचने में नहीं लगता। ये शर्मनाक है कि प्रसव पीड़िता को एम्बुलेंस के लिए इंतजार के बाद ऑटो का सहारा लेना पड़ा। मामले की जांच कराई जाएगी। योगी राज में बेटी बचाओ का नारा भी जुमला साबित हो रहा है। कानपुर में भी उन्नाव के कुलदीप सेंगर बलात्कार कांड जैसा मामला दोहरा दिया गया है। यहां 13 साल की नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया और उसके 24 घंटे बाद पीड़िता के पिता को ट्रक ने रौंद दिया। घटना कानपुर के सचेती थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाली एक 13 साल की किशोरी के साथ गांव के ही कुछ दबंगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता के परिजनों ने गांव के ही रहने वाले गोलू यादव और दीपू यादव के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। FIR में आरोप लगाया है कि इन दोनों युवकों ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि दीपू यादव के पिता यूपी पुलिस में दरोगा हैं और कन्नौज में तैनात हैं। दीपू के घर वालों ने पीड़िता के परिजनों को धमकी दी थी कि अगर उन लोगों ने पुलिस में जाकर शिकायत की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बुधवार सुबह घाटमपुर कस्बे में CSC के बाहर गैंगरेप पीड़िता के पिता को ट्रक ने रौंद दिया। आनन फानन में पुलिस उसे लेकर हैलट अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने साजिशन हत्या का
आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस बेवजह गैंगरेप पीड़िता के पिता को इधर उधर भटका रही थी, इसी दौरान उसे हादसे का शिकार बना दिया गया। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आरोपियों और उनके परिवार वालों ने ही साजिश कर इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में भी आरोपियों से जान का खतरा की बात कही थी। डीआईजी कानपुर का कहना है कि इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और पीड़िता के परिवारी जनों को धमकी देने वालों की तलाश भी की जा रही है। डीआईजी ने पीड़िता के पिता की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मामले की जांच करवाए जाने की बात कही है। सुल्तानपुर के कादीपुर क्षेत्र में निषाद पार्टी की तरफ से चुनावी मुद्दे को लेकर महारैली का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह निषाद ने शिरकत की। आयोजन में पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह निषाद ने सभा को संबोधित करते हुए वर्तमान भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी हमें आरक्षण नहीं देती है तो 2022 के चुनाव में पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। संजय निषाद ने कहा कि आज तक की जितनी भी सरकार बनी है उन्होंने मछुआरों को उनका हक नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े वादे करके लोगों को धोखा दिया है। अब निषाद पार्टी 2022 में अपनी सरकार बनाकर सबको उनका हक दिलाएगी। देखिए हमारे संवाददाता आसिम खान की ये रिपोर्ट। सपा के साथ गया 30 साल, वहां भी धोखा खाया। बसपा के साथ था 3 साल, वहां भी धोखा खाया। 70 साल कांग्रेस के साथ था, वहां भी धोखा खाया है। अब धोखा खाने वाला नहीं है, हमको धोखा दे रहा है, धोखा खाएगा। मेरा समाज जब गुस्से में आया तो अंग्रेजों को डुबो डुबो के मारा और दुनिया से अंग्रेजों का सामान हमारे मछुआरों ने खत्म करके दिखा दिया है। हमारे समाज जब गुस्से में आए कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया। कांग्रेस जिंदा है कि मर गई? ऐसे ही लगता तुम मर गए हो। कांग्रेस जिंदा है कि मर गई? आप लगन में क्या हो गए? हाथी जब बटन छूना बंद कर दिया, हाथी खड़ा है कि गिर गए? जनता पार्टी ने अगर तुम्हारा आरक्षण नहीं दिया तो क्या कमल बटन छोड़ोगे? भाई यही पूछने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारा वादा योगी मोदी ने नहीं पूरा किया तो क्या कमल बटन छोड़ोगे? मैं यही कहने के लिए आया हूँ, एक बार तो गलती हो गई 2019 में, 2022 में निषाद पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी और सबसे अधिक सीट का जीत कर लेगी। किला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारा आरक्षण 8% तुम्हारा हिस्सा बनता है, सभी जातियों का संख्या के हिसाब से हिस्सा बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें बनेगा कि नहीं बनेगा? और तुम्हारे यही कादीपुर में होगा, अगर कादीपुर थाने में 15 दरोगा होंगे तो 5 हाथी वाले होंगे, महंगी वाले होंगे, 5 साइकिल मुलायम वाले होंगे और 5 वर्तमान सरकार के बाबा वाले होंगे। तुम्हारा कोई चपरासी नहीं है, तुम्हारा कोई हमदार है, कोई सिपाही नहीं है। इसी तरीके से हम जिलों में, हर क्षेत्रों में, हर विभागों में तो तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है। अब डॉक्टर संजय पैदा हो गए हैं, 2022 में सारी बिरादरियों का संख्या के हिसाब से उसका हिस्सा मिल जाता है। हिंदुस्तान था, इससे पहले आंतरवाद था, अगर इंसान बात कर
हाथ में कलम था, इस देश का नाम निशान था, इस देश का नाम निशान था, इस देश का नाम निशान था। तो लड़ाई कौन लड़ा होगा भाई? सबसे पहले खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।